नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की पांच बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भारत की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी खबर, 2022 में दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ेगी अर्थव्यवस्था। पीएम ने विकास के लिए गतिशक्ति राष्ट्रीय मिशन किया लॉन्च। आज की रात भी जेल में बिताएंगे आर्यन खान, सेशन कोर्ट में अब कल होगी जमानत पर सुनवाई। लखीमपुर कांड पर विपक्ष की राजनीति जारी, राष्ट्रपति कोविंद से मिला कांग्रेस डेलीगेशन, राहुल गांधी ने की मंत्री अजय मिश्रा को हटाने की मांग। दिल्ली में छठ पूजा पर केजरीवाल की डर्टी पॉलिटिक्स, सार्वजनिक जगहों पर छठ मनाने पर लगाई रोक, बीजेपी ने किया फैसले का विरोध। पाकिस्तान में हुई खाने की भारी कमी, इमरान के मंत्री ने लोगों को दी खाना कम खाने की सलाह, लोगों में फूटा गुस्सा। आज पंचनामा की शुरुआत करेंगे एक अच्छी और बड़ी खबर के साथ। बड़ी बड़ी एजेंसियों ने भारत की विकास दर को बेहतर बताया है, तो वहीं IMF ने अनुमान लगाया है कि 2022 में दुनिया की सबसे तेज अर्थव्यवस्था के रूप में भारत की आर्थिक वृद्धि दर सबसे तेज होगी। IMF के अनुमान के मुताबिक भारत में ये वृद्धि दर 8.5% तक पहुँच सकती है, जबकि अमेरिका में ये दर 5.2% तक ही हो सकती है। खास बात यह है कि भारत को छोड़कर किसी भी देश में ये वृद्धि दर 6% से ऊपर नहीं जाने का अनुमान जताया गया है। तो दूसरी तरफ पीएम मोदी ने भारत में विकास की गति को बढ़ाने के लिए एक और नई पहल कर दी है। पीएम मोदी ने आज प्रधानमंत्री गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान की शुरुआत की। इससे करीब 100,00,000 करोड़ रुपए की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के विकास को गति मिलेगी। डॉक्टर साहब, भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए पीएम मोदी ने एक और आगे कदम बढ़ाया है, ये कितना अहम है और लोगों को इससे कैसे फायदा पहुंचेगा? देखिए, वाकई ये सबसे बड़ी और सबसे सो कह सकते हैं कि खुशखबरी है। ये खुशखबरी इसलिए है कि एक तो बड़ी बड़ी एजेंसियों ने भारत के इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में जो कहा वो आपने बता दिया। इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि चाइना का जो ग्रोथ रेट है वो हिंदुस्तान से बहुत ही ज़्यादा कम है, 5.6 पे अटका हुआ है। और तो वृद्धि हो रही है, विकास दर जो है उसकी वो काफ़ी ज़्यादा बताया जा रहा है। साथ ही साथ इन्फ्लेशन भी हिंदुस्तान का अभी जो कल जो आंकड़े आए हैं वो बहुत ही कंट्रोल में है, सबसे कम स्तर पे पहुंच गया है। मतलब जो लोग ये कह रहे थे कि भाई कोरोना के दौरान जो अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई है वो उसको रिकवरी करने में 4-5 साल लग जाएंगे, उनके थ्योरी, उनके भविष्यवाणी जो है वो गलत साबित हुई है। वन नंबर टू, आपने बात की एक बहुत ही विशाल परियोजना के बारे में। अब मैं लिस्ट लेकर के बैठा हूं, जरा बस सुन लीजिए, उस पर एनालिसिस करने के लिए कभी किसी और दिन हम वीडियो बनाएंगे। लेकिन इस इंटीग्रेटेड डेवलपमेंटल मॉडल के अंदर क्या क्या होने वाला है उसको समझना जरूरी है। नेशनल हाईवे का 2,00,000 किलोमीटर का इंटीग्रेटेड नेटवर्क, 2,00,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे। रेलवे को 1,600 मिलियन टन कार्गो की हैंडलिंग करने की कैपेसिटी, मतलब ज़्यादातर चीज़ें जो है अब ट्रेन से जरिए जाएंगी। 35,000 किलोमीटर गैस पाइपलाइन का नेटवर्क बिछाया जाएगा, 35,000 किलोमीटर। और साथ ही साथ इतना ही नहीं, 220 एयरपोर्ट एयर ड्रम एयर स्ट्रिप्स बनाए जाएंगे। ये एक क्रांति जैसा, एक सपने जैसा लग रहा है कि आगे आने वाले दिनों में हिंदुस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर किस हिसाब से बनाया जाएगा। अभी यह खत्म नहीं हुआ है, 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की स्थापना की जाएगी, जिसमें वो 25,000 एकड़ में बनाया जाएगा, 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। उसी तरीके से रक्षा उत्पादन के लिए जो है, रक्षा क्षेत्र के उत्पादन में उसकी कंपनी लगाने के लिए भी एक बड़ा एक कॉरिडोर उसके लिए बनाया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनाए जाएंगे 38 और 109 फार्मा मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स बनाए जाएंगे और 90 टेक्सटाइल क्लस्टर्स। इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं कि आप यकीन मानिए कि जो प्लान बनाया गया है अगले 4-5 सालों में, इसकी शुरुआत भी अगर हो जाती है और प्रधानमंत्री मोदी के इस योजना का 20% भी लागू हो जाता है, जो
मैं ये कह रहा हूँ कि जो सरकार का रिकॉर्ड है वो बहुत ही अच्छा है, योजना बनाने और उसको बाकायदा उसको ज़मीन में उतारने में ये सरकार बहुत ही सफल रही है। अगर ये 20% भी हो जाता है पुराने आंकड़ों के मुताबिक तो हिंदुस्तान स्वर्ग बन जाएगा। तो सर प्रधानमंत्री मोदी ने एक और मास्टर स्ट्रोक लगा दिया, राइट। तो वहीं एनसीपी ने भी एक और मास्टर स्ट्रोक लगाया है। सेशन कोर्ट से आर्यन खान को बड़ा झटका लगा है क्योंकि आज भी आर्यन की जमानत पर सुनवाई टल गई। अब कल दोपहर 12 बजे फिर जमानत पर सुनवाई होगी, यानी आज की रात भी आर्यन को जेल में काटनी पड़ेगी और हो सकता है कल भी आर्यन जमानत पर ना मिल पाए क्योंकि एनसीपी ने आर्यन खान के खिलाफ कई अहम सबूत पेश किए हैं। एनसीपी ने आर्यन की जमानत पर जवाब दाखिल करने के बाद रिमांड में कहा कि इस केस में एक आरोपी की भूमिका को दूसरे के जरिए नहीं समझा जा सकता। भले ही आर्यन के पास ड्रग्स ना मिला हो लेकिन वे पेडलर के संपर्क में थे और ये एक बड़ी साजिश है। डॉक्टर साहब, जिस तरह से आर्यन के खिलाफ आज एनसीबी ने सबूत पेश किए हैं, क्या कल जमानत होना मुमकिन है? देखिए, जिस तरीके से ये केस आगे बढ़ रहा है, इस केस में आर्यन खान के पास अगर कोई ड्रग्स नहीं मिला तो आम तौर पे इन्हें बहुत पहले ही बेल मिल जानी थी आसानी से जी। लेकिन कोई ऐसी जरूर बहुत बड़ी बात है जिसकी वजह से इसे बेल नहीं मिल रहा। अब ये बड़ी बात क्या है? दो तीन बड़ी बातें हैं जिसको समझना जरूरी है। पहली बात ये, एनसीबी ने जो जवाब दायर किया कोर्ट के अंदर उसमें साफ साफ ये कह रहे हैं कि ये मसला किसी मतलब आर्यन खान के ड्रग्स लेने ना लेने, उसके पास रिकवरी या नॉन रिकवरी का मसला नहीं है, ये एक साजिश है। अब ये साजिश का मसला कैसे है एनसीबी बताएगी आगे। दूसरा मसला ये है कि ये एनसीबी बार बार इस बात को कह रही है कि ये लोग जो पकड़े गए हैं इंक्लूडिंग आर्यन खान, ये इंटरनेशनल ड्रग कार्टल के साथ इनके रिश्ते हैं और इसके लिए एनसीबी ने विदेश मंत्रालय से भी कांटेक्ट किया है और तमाम लोगों की लिस्ट दी है जिसको ट्रेस करने के लिए वो परमिशन मांग रहे हैं। मतलब ये कि बहुत बड़ा नेक्सस, बहुत बड़ा खेल जो है वो हो रहा है। अब तीसरा इसका एलिमेंट ये है कि जिस हिसाब से तमाम लोग पॉलिटिशियंस और पता नहीं कौन कौन उसको डिफेंड करने में लगे हुए हैं, तो इसमें लग रहा है कि मसला वो दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली नजर आ रही है, इसलिए बेल टल रहा है। जी डॉक्टर साहब, अगली खबर लखीमपुर पर हो रही सियासत पर। लखीमपुर खीरी कांड में आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी के बाद भी विपक्ष की राजनीति खत्म नहीं हो रही है। अब विपक्ष केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग पर अड़ा हुआ है। इसी बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की और फिर गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग दोहराई। राष्ट्रपति से मिलने वाले कांग्रेस के डेलीगेशन में प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, एके एंटनी और गुलाम नबी आजाद भी शामिल थे। डॉक्टर साहब, ये जो जांच हो रही है लखीमपुर हिंसा पर, लगातार कार्रवाई की जा रही है, पर ये विपक्ष है कि इस मुद्दे को भुनाने में पूरी पुरजोर कोशिश से लगा हुआ है। देखिए, बिल्कुल ये उनका अधिकार है कि वो इस तरह के मुद्दों के ऊपर राजनीति करें, उसको चुनाव होने वाले हैं उसको अपने हिसाब से वो ढालें कि ताकि उनको राजनीतिक और वोट का फायदा हो। लेकिन इसमें दो तीन चीजें हैं समझने वाली बात जी। कि कांग्रेस पार्टी अगर सीधे सीधे राष्ट्रपति के पास चली जाती है तो वो उस तरह की राजनीति को कर रही है जो 30 साल पहले होती थी जी। अगर आप ग्राउंड में कुछ नहीं कर सकते तो आप क्या करते हैं? आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, राष्ट्रपति से मिलते हैं, गवर्नर से मिलते हैं, मेमोरेंडम देते हैं, बातचीत करते हैं और अपने द्वारा जो उनके जो सहयोगी लोग हैं मीडिया में उनके जरिए आर्टिकल लिखवाते हैं, दबाव बनाने की कोशिश करते हैं, दबाव की राजनीति करते हैं। लेकिन राजनीति सिर्फ विपक्ष नहीं कर रहा, भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है और ये ऐसी राजनीति कर रही है कि जिसमें ये तमाम लोगों की इसको कह सकते हैं कि छुट्टी हो जाएगी। अभी कुछ दिन पहले तक यूपी के अंदर में क्या हो रहा था, यूपी के अंदर ये चाहे मायावती हो, चाहे वो प्रियंका वाड्रा हो, कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, ये सब के सब ब्राह्मणों को लुभाने के लिए ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे थे। आपको याद होगा कि सारे लोग ये चल रहा था कि ब्राह्मणों को अपनी तरफ जोड़ना है। अब भारतीय जनता पार्टी ने दूसरा पासा खेल दिया है। अब मालूम चल रहा है कि वो वहाँ के जो ब्राह्मण लीडर है वो वहाँ जाकर के लोगों को बता रहे हैं कि ये सारे विपक्षियों के चक्कर में ही
यूपी का एक बहुत बड़ा ब्राह्मण नेता का बेटा जेल के अंदर चला गया और एक ब्राह्मण लीडर के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, तो नहले पे दहला। राजनीति का ये खेल बहुत ही सिंपल है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी नेता, कोई समाज सेवी नहीं है, कोई राजा हरिश्चंद्र नहीं है, सत्यवादी नहीं होता। इनका धर्म ही है कि वो जितने भी काम करे उसका चुनावी फायदा हो, और वही सारे लोग कर रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, हर जगह पॉलिटिक्स देखने को मिल रही है, चाहे वो दिल्ली हो या लखीमपुर खीरी। दिल्ली में सार्वजनिक स्थानों पर छठ पूजा समारोह पर रोक को लेकर राजनीति तेज हो गई है। केजरीवाल इस मुद्दे पर डर्टी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी ने केजरीवाल के इस फैसले का विरोध किया है और सार्वजनिक स्थलों पर छठ पूजा किए जाने की मांग की है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें बीजेपी सांसद मनोज तिवारी को चोटें भी आई हैं। दबाव बढ़ता देखकर केजरीवाल सरकार ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को खत लिखकर केंद्र के पाले में गेंद डाल दी है। दिल्ली में छठ पूजा को लेकर गाइडलाइंस जारी करने की मांग की गई है। डॉक्टर साहब, केजरीवाल एक बार फिर से छठ पूजा के नाम पर एक नई राजनीति शुरू करते नजर आ रहे हैं। देखिए, मैं बार बार कहता हूं, ये केजरीवाल हिंदुस्तान की राजनीति का नटवर लाल है। झूठ ये इस हिसाब से बोलता है कि जिसमें झूठ को भी शर्म आ जाए। अब इसने क्या किया, दिल्ली सरकार के एक डिपार्टमेंट ने छठ पूजा के ऊपर बैन लगा दिया कि किसी भी सार्वजनिक स्थान पे ये नहीं होगा। और ये इतने धूर्त हैं, इनकी कलाबाजी समझिए। मैं बार बार इस बात को कहता हूं, और कभी कोई मुझे टेस्ट कर ले, केजरीवाल या उसकी पार्टी 5 वाक्य बोलेगी, 3 झूठ होगा जी। और ये चैलेंज मैं कभी भी इसको मैं पूरा कर सकता हूं। ये अभी से नहीं, पिछले 10 साल से मैं ट्रैक करता हूं केजरीवाल को। अब इसने क्या किया कि गलती तो हो गई, और है क्या कि इसको केजरीवाल को सरकार उरकार चलाने में इंटरेस्ट नहीं है जी। जरा सब इंटरेस्ट, काम करता ही नहीं है ये। शुरू से ही, जब से ये IRS ऑफिसर भी था, तब ये कामचोर ऑफिसर था। इसकी गिनती कामचोर ऑफिसर्स में होती थी। ये आज तक कभी किसी जगह पर न इसने रेड मारी है, न कोई केस को सॉल्व किया IRS रहते हुए। ये रिकॉर्ड की बात है, और मैं इस बात के लिए किसी को भी चैलेंज कर सकता हूं। ये डिपार्टमेंट के लोग ने बताया, ठीक। अब ये तो उसका काम एडवर्ट बनाने का होता है जी। किस तरह से राजनीति चमकाना है, किधर से 1-2 का 4, 40-1 करना है, इसी में इसका काम, इसका समय बीतता है। काम नाम करने वाले उसके जूनियर मिनिस्टर्स हैं, मनीष सिसोदिया काम करता है, उसमें कोई डाउट नहीं है जी। वो मेहनत करता है, लेकिन इसका काम बस यही है। अब उसने तो छठ पूजा को के ऊपर बैन लगा दिया। नींद इनकी तब टूटी जब बीजेपी ने इसका प्रोटेस्ट करना चालू कर दिया जी। क्योंकि बहुत सारे बिहारी वोटर्स हैं, आम आदमी पार्टी बिहारियों के वोट से ही जीत रही है। वो बिहारियों को गाली भी देता है, और बिहारी ऐसे लोग हैं कि जो उसके पीछे पीछे उसको वोट भी देते हैं। वो इतना बड़ा कलाकार है कि जिन लोगों को गालियां देता है वही लोग उसको वोट भी देते हैं। अब जब ये विरोध प्रदर्शन हुआ तो बोले तो बुरे फंस गए, अभी इसमें मसला खराब हो जाएगा, बिहारी जो है वो केजरीवाल के खिलाफ चला जाएगा, फिर क्या करें। तब इसने एप्लीकेशन दे दिया कि भाई छठ पूजा के गाइडलाइंस हमें दे। डिफरेंस समझिए, बैन किसने किया, केजरीवाल की सरकार ने जी। अब ये सारे मीडिया वाले लिख रहे हैं, ये बात समझिए, ये दलाल मीडिया, ये टेलीविजन वाले, अखबार वाले, ये केजरीवाल के एड को छापते छापते इनकी गुलामी इतनी बड़ी हो गई है, रीढ़ की हड्डी में जंग लग गया है कि ये केजरीवाल से सवाल नहीं पूछेंगे कभी कि भाई बैन किया दिल्ली सरकार ने, और जब विरोध हुआ तो आप स्वास्थ्य मंत्रालय को चिट्ठी लिख रहे हो कि छठ पूजा के गाइडलाइंस आप हमें दो। भाई गाइडलाइंस पहले ही क्यों नहीं मंगवा लिया तुमने जी। जब ये गाइडलाइंस पहले आ गया होता, लेकिन ये मीडिया वाले ये कह रहे हैं कि भाई आपने भी पढ़ दिया, कुछ हर जगह यही छपा हुआ है जी। कि भाई केंद्र के पाले में डाल दिया, कोई पाले में नहीं डाला है, ये धूर्त आदमी है, ये झूठ बोलता है, और ये हर बार अपनी गलतियों को छिपाने के लिए कहीं और किसी के सर पे ठीकरा फोड़ता है। तो छठ का केस यही है, और पता नहीं बिहारियों के शरीर में खून उबलेगा या नहीं उबलेगा कि उनके पूजा पाठ को रोका जा रहा है, और ये इसी नटवरलाल का माला जपते रहते हैं जब चुनाव आते हैं जी। डॉक्टर साहब,
आखिरी खबर पाकिस्तान में बढ़ती महंगाई पर आम लोगों के साथ साथ सरकार के लिए भी मुसीबत का सबब बन गई है। खाने के सामान की कीमतें आसमान छू रही है जिससे लोगों में बेहद गुस्सा है, लेकिन सरकार जख्म पर मरहम लगाने की बजाय उस पर नमक छिड़कने का काम कर रही है। महंगाई को लेकर पाकिस्तान के संघीय मंत्री अमीन गंडापुर ने हाल में एक ऐसा बयान दिया जिससे लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। मंत्री अमीन गंडापुर ने लोगों से कम खाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि क्या हम देश के लिए इतनी सी कुर्बानी नहीं दे सकते। डॉक्टर साहब, खाने की कमी हुई और पाकिस्तानी मंत्री ये क्या सुझाव दे रहे हैं कि खाना ही कम कर दो? देखिए, पाकिस्तान में भी एक नटवर लाल बैठा हुआ है, इमरान खान जी, है ना। वो जो नेता जिसके पास अपना विकास का कोई मॉडल नहीं हो, वो ऐसी ही बातें करता, उसके मंत्री भी ऐसी ही बातें करते हैं, ये सारी चीज़ें वही हो रही है। दरअसल पाकिस्तान की समस्या ये हो गई है कि पाकिस्तान के पास पैसे ही नहीं है और कहीं से कोई भीख मिल नहीं रही। ऊपर से ये हिंदुस्तान में जो मोदी और अजीत डोभाल और अमित शाह बैठे हुए हैं, उनसे वो अलग परेशान हैं। कश्मीर का मसला उनके हाथ से चला गया है। मतलब इमरान खान उन सारी चीज़ों में घिर गए हैं जिसको लेकर के वो जब विपक्ष में हुआ करते थे तो बड़ी बड़ी डींगे हाँकते थे जी। तो ये इस तरह की बातें, इसको पागलपन कह सकते हैं कि कोई भी मंत्री कोई कैसे कहेगा ये ठीक। वैसे ही यूपीए सरकार के दौरान हिंदुस्तान में भी ऐसे ऐसे लोग थे, मंत्री थे, लीडर थे। कांग्रेस पार्टी से पूछा गया था कि भाई लोग भूखे मर रहे हैं, इतनी महंगाई बढ़ गई है, तो कांग्रेस के लीडर ने कह दिया था कि 5 रुपये में प्लेट मिलता है, उससे भी मन नहीं भरा तो कोई और आगे बढ़ के कह दिया 2 रुपये में खाना मिल जाता है, कहाँ है महंगाई। तो ये इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हर देश में होता है, लेकिन पाकिस्तान वो सीरियस ट्रबल में फंसा हुआ है। सरकार के ऊपर आर्मी के बीच जो विश्वास जो है उसमें भी कमी आई है। मीडिया बहुत ज़्यादा ही क्रिटिसाइज़ कर रही है इमरान खान को, वो इसलिए भी कर रही है कि आपकी साख भी खत्म हो गई है। आप मिन्नतें कर रहे हो कि जो बाइडन आपसे फ़ोन पे बात कर ले, आप मिन्नतें कर रहे हो कि शी जिनपिंग आपसे एक बार मुलाकात कर ले, लेकिन कोई चीज़ संभलता दिख नहीं रहा है। तो जो सरकार, उसके जो दिन जब पूरे हो जाते हैं तो उसके मंत्री इसी तरह की बहकी बहकी बातें किया करते। डॉक्टर साहब, हर बार आपका एनालिसिस बेहद लाजवाब रहता है, धन्यवाद इसके लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।